सो आज हम लिंक्डइन यूज करके, जो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट है या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इस प्लेटफॉर्म से आप अपने सिक्योरिटी एजेंसी में कैसे लीड्स ला सकते हैं, कैसे इंक्वायरी, कैसे अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरी बात होगी। सो ओवरऑल तीन मेजर प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई करे हैं सेल्स को लेके, उसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आज पूरा डिस्कशन होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंसिस्टेंट लीड्स जो है वो एजेंसी को नहीं मिलती है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि हर महीने हर हफ्ते किसी न किसी को आपके सर्विस की जरूरत हो। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह से। और कई एजेंसी के पास अगर कोई क्लाइंट आ जाए तो उनकी अच्छी सर्विस की वजह से वो सालों साल उनके पास रहेगा। तो जो क्लाइंट मिलने का रेशियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। तो अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको कंसिस्टेंट लेवल पे लीड्स जनरेट करने आना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को हम आज देखेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे आप एड्रेस करें। सेकंड, स्पेशली कमर्शियल जब साइट्स की बात आती है तो आप कंपनी के किस हायरार्की के साथ बात कर रहे हो, किनके साथ कनेक्टेड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपनी के एडमिन हेड अगर आपके कनेक्ट में है, जनरल मैनेजर्स, कंपनी के डायरेक्ट ओनर जिनके बहुत सारे स्टोर्स है, फ्रेंचाइज है, अगर उनके आप डायरेक्ट कनेक्ट में है तो आप बेटर पोजिशन पे है कंपेयर टू बाकी सिक्योरिटी एजेंसी। तो कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे। थर्ड, जैसे मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर लॉन्ग टर्म सर्विस होता है, तो टॉप ऑफ माइंड बने रहना एक चैलेंज है। यानी कि अगर मैंने फेब मंथ में किसी को कोटेशन दिया और उनका डिसीजन मे बी मार्च अप्रैल तक नहीं आया, या फिर 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने, नेक्स्ट 1 साल तक नहीं आया, तो देर इज अ हाई चांस कि आप उनके माइंड से उतर जाते हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से यूज करें तो हम टॉप ऑफ माइंड उनके बने रहें, ताकि जब भी उनको सर्विस की जरूरत पड़े वो आपको फिर से याद करें, यही हमारा सिर्फ टारगेट होना चाहिए। तो अगर ये तीनों प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया तो ये आज पूरा जो एक्टिविटी हम देखेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इस पूरे सेशन को हमने स्टेप में डिवाइड करा है। अभी तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करके आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, बाकी जो स्टेप्स है वो कैसे फॉलो करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो पहला स्टेप है, आपको कनेक्ट करना है। जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है, लिंक्डइन पे कनेक्ट बोलते हैं उसको, आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आपने प्रोफाइल बनाया, आप ऐसे मत करिए कि एक साथ 50-100 लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, प्लेटफॉर्म को लगेगा आप स्पैम कर रहे हैं या फिर परेशान कर रहे हैं दूसरे मेंबर्स को, वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर आपका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप कंसिस्टेंट बेसिस पे लोगों को कनेक्ट करें, क्योंकि ध्यान दीजिए आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको शायद जानते नहीं है, आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं है। अगर वो होते तो शायद वो फेसबुक पे ऑलरेडी कनेक्टेड है आपसे, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो एक टारगेट आपने बना लिया कि 10 लोगों के साथ मुझे कनेक्ट होना है, जो बहुत अच्छा टारगेट है एक्चुअल में। सो साल भर में आप 3,000 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर ये पेस से चलेंगे। और आपके एजेंसी में अगर कई और भी लोग हैं, जैसे आप खुद संभाल रहे हैं, तो आप ये अपने टारगेट रख लिया कि 10 लोग से मुझे कनेक्ट होना है डेली। और आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं तो आप उनको भी कह सकते हैं कि आपको भी सेम प्रोसेस यूज करना है। तो ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस्ड ऑन आपकी टीम साइज कितनी बड़ी है। सेकेंड, आपको आपका प्रोफाइल अपडेट रखना है। जैसे आप किसी से मिलते हैं, अपना बिजनेस कार्ड देते हैं, उसी तरह से लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका बिजनेस कार्ड है, जहां पे आपका नाम होगा, आपका फोटो होगा, कंपनी का नाम, बाकी सारी डिटेल्स, आप कितने साल से इस फील्ड में हैं, क्या 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 सर्विस दे रहे हैं। तो एक तरह से वो वेबसाइट, मिनी वेबसाइट बन जाता है आपका। तो आपको आपका प्रोफाइल प्रोफेशनली अपडेट करना पड़ेगा, उस पर भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे लिंक्डइन को जब हम ओपन करेंगे। थर्ड है, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा टारगेट क्लाइंट्स का। एक है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि आप सिर्फ मुंबई में सर्विस दे रहे हैं और आप कनेक्ट कर रहे हैं सब मुंबई के बाहर, तो ये शायद ज्यादा बेनिफिशियल आपको नहीं होगा। तो बेटर आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुंबई के अंदर जितने भी कंपनीज हैं जिनको आप सर्विस देना चाहते हैं, आपके टारगेट लिस्ट में हैं, आप उनको सर्च करके उनके साथ कनेक्ट करिए। सो दैट जो आपका समय है, आपका जो एक्टिविटी का, जो जितना भी आपका मेहनत जा रहा है, वो जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिले। तो ये तीन चीज पहले करना है जब आप कनेक्ट करेंगे, ये तीन चीज ध्यान में रखना है। सेकेंड, कनेक्ट करने के बाद कंटेंट। कंटेंट क्या होता है कि हर एक सोशल मीडिया साइट पे आप फोटो शेयर करते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की फोटो शेयर करते हैं, अपना ब्रोशर्स शेयर करते हैं, तो इस तरह की चीजें, नई साइट मिली तो उसका अनाउंसमेंट शेयर कर दिया, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें शेयर करनी है वहां पे। कई लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपना एडवर्टाइज करेंगे, आप अपना ब्रोशर बार बार डालेंगे कि सर आपको सिक्योरिटी सर्विस चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट करो।
तो ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट जैसा दिखता है और लोग इसके लिए प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, वो प्रोफेशनली कनेक्ट करने आते हैं पीपल टू पीपल कनेक्शन के लिए। तो ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं देगा कि आप बार बार अपना बिजनेस कार्ड ही उस कोई भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो चाहे लिंक्डइन हो, वहां पे बार बार वही डाल रहे हैं। तो अलग अलग चीजें आप शेयर करें, वहां पे ट्रेनिंग हो रही है आपकी, आपने 10 फोटो निकाल लिया तो 10 पोस्ट आपके ऐसी हो गए, आपने लिख दिया कि हमने हमारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट के लिए ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया संडे को, पिछले साल हमने ये लॉकडाउन के पहले ये ट्रेनिंग किया था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो ताकि लोगों को आपके पता चले कि आप किस फील्ड में हैं, किस फील्ड से रिलेट करते हैं। तो ये हो गया कंटेंट। कंटेंट के लिए एक और चीज़ है कि हमारा बिजनेस तो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना है, ना कि कंटेंट बनाना। तो अगर आपके पास कोई इन हाउस कोई स्टाफ है जिसको सॉफ्टवेयर यूज करने आता है, तो आप उनसे कंटेंट बना सकते हैं। वरना हमने भी अपने वेबसाइट पे कुछ फ्री कंटेंट्स दिए आपको, राइट? वो कंटेंट आप यहाँ पे जाके, लिंक है वो यूज करके आप वो कंटेंट अपने नाम पे यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना नाम मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी एक ऑप्शन है। कंटेंट के बाद जो शेयर करेंगे, जो थर्ड स्टेप आता है वो कन्वर्सेशन है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं कि हमारे हमारे इतने स्टाफ हैं, हमारे इतने इतने लोकेशंस पे सर्विसेज हैं, हम इतने साल पुराना एजेंसी है हमारा, ये सब मी अप्रोच हो गया कि मेरे पास। तो ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हमें सामने वाले को कैसे सुनना है, उनसे कैसे कनेक्ट करना है ताकि उनका इंटरेस्ट हमारे में आ जाए। वो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा अभी जब मैं अपना प्रोफाइल ओपन करूंगा। तो आपको करना है, कनेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करना है ताकि जब भी वो कुछ पोस्ट करे आपको ना डिस्कशन छेड़ सके, उनसे बात कर सके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उनके पोस्ट पे आप कमेंट करिए। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आपने कोई भी पोस्ट करा है कोई भी साइट पे, फेसबुक हो गया लिंक्डइन हो गया, और किसी अनजान आदमी ने उसके ऊपर कमेंट करा है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके प्रोफाइल में जाके देखते हैं कि भाई ये बंदा कौन है जो इतनी अच्छी बातें कर रहा है मेरे लिए, या फिर इसने कोई क्वेश्चन रेस किया है, या कोई भी कमेंट छोड़े हो, आपके दिमाग में आ रहा है ठीक है अगर मैंने आपके प्रोफाइल पर कनेक्ट किया है, आप मेरे नाम पे क्लिक करके देखोगे दीपक है कौन, दीपक कौन है जो मेरे पोस्ट पर उन्होंने कमेंट करा है, तो इनडायरेक्टली वो मेरे पास ही आ रहा है, पर डायरेक्टली मैं उनको अप्रोच नहीं कर रहा हूँ मैसेज डाल के, सर मेरे से बात करो और सेकेंड मेरे सर्विस के बारे में जानो। आप किसी ने जॉब चेंज किया है, किसी ने नया ब्रांच ओपन किया है, किसी ने कोई सर्टिफिकेशन किया है, कुछ भी अचीवमेंट करा है, और सोशल मीडिया पे आप देखोगे लोग अपने अचीवमेंट ही डालते हैं, अपने फेलियर्स डालते नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है। तो उस इस तरह के जो अनाउंसमेंट होते हैं वहां पे आप चैट में उनको लिख सकते हैं, जैसे मैंने कोई चीज डाला, मुझे कोई नया क्लाइंट मिला, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय दीपक कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू साइट, समथिंग लाइक दैट। सो दैट उसको वो भी क्या करेगा, मैं भी एज अ नॉर्मल जेस्चर में आपको थैंक बोल दूंगा या फिर प्रेस करूंगा। तो ये कन्वर्सेशन आपका और हमारा बनते रहेगा, तो ये हमारा टारगेट होगा कन्वर्सेशन का। फोर्थ जो है, आप उनके साथ चैट करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए, फिर स्लोली ग्रेजुअली आप उनके साथ मीटिंग्स और कॉल तक पहुंचेंगे। आप डायरेक्टली उनको मैसेज करके आप अपना बिजनेस प्रोफाइल उनको दे देंगे कि सर ये हमारा ब्रोशर है, आप प्लीज कंसिडर करिए, तो आई एम सॉरी टू से वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, सामने वाला इग्नोर कर देगा और सेकेंड टाइम वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो आपको बहुत ही ऑर्गेनिक वे में स्लोली ग्रेजुअली जाना है और सिस्टम के साथ जाना है। तो एक बार आपने सिस्टम समझ लिया तो ये सारी चीजें मैं डेली करता हूँ और मुझे 30 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है, ये आधे घंटे में हो जाता है। शुरुआत में आपको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, बाद में जब आपके रूटीन में आ जाएगा तो 1 घंटे में ही हो जाएगा। अब आते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं ये होता कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक्डइन है जो इस तरह से दिखेगा आपका प्रोफाइल। सो ये फोटो हो गया आपका, आपका नाम हो गया जैसे फेसबुक पे दिखता है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे बैनर हो गया, फेसबुक पे भी आप यूज करते हैं, आप इस यहाँ पे बैनर कुछ डाल सकते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड का फोटो, ट्रेनिंग का फोटो, सो दैट कोई आपका ये बैनर देखे तो उसको तुरंत पता चल जाए कि आप सिक्योरिटी फील्ड से रिलेटेड हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करिए, आपका लोकेशन क्या है, प्लस कोई आपकी एक्टिविटीज यहाँ पे दिख जाती हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, सारी चीजें, आपका एक्सपीरियंस और बाकी कई सारी चीजें, तमाम चीजें हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो एक तरह से आपकी छोटी क्या करता है, वो कहाँ रहता है, किस टाइप के उसके क्लाइंट्स हैं, ये सारी चीज आपको इनडायरेक्टली पता चल जाएंगे। अब जो हमने देखा था कि प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, सो कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह से माई नेटवर्क पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पहले से प्रोफाइल बना है तो आप वहां पे जा सकते हैं, अपने कनेक्शन देख सकते हैं। कनेक्शन में जिस बंदे को आपने ऐड करा है, जिससे आप कनेक्टेड हो, उनके प्रोफाइल में जाके उनके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट ऑडियंस है से रिलेटेड लोग हैं, अब मैं इनके प्रोफाइल में जाऊंगा तो ऑब्वियसली इनके कनेक्ट में भी सिक्योरिटी एजेंसी वाले होंगे, सिक्योरिटी फील्ड वाले होंगे। तो ये वाया 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 आपको कनेक्शन मिल जाता है, मतलब दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त, सिंपल। जो फेसबुक भी करता है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसके कॉमन 5 फ्रेंड, आपके और उनके बीच में 5 कॉमन फ्रेंड्स हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेगा। आपको सिर्फ उनको ऐड करते जाना है, लेकिन ध्यान देना है डेली 10 ही ऐड करना है, 10 से ज्यादा नहीं, तो नहीं तो
ब्लॉक होने का या फिर अकाउंट सस्पेंड होने का चांसेस है। सेकेंड, जैसे जैसे आप ये एक्टिविटी करते जाएंगे, लिंक्डइन आपको खुद एक सजेशन देगा, राइट? अगर आपको सजेशन लगता है ठीक है मुझे इनके साथ कनेक्ट करना है, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये कंपनी आपको, आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे इसमें नहीं है, ये को फाउंडर हैं, अलग अलग आपको दिख जाएगा कंपनीज के बारे में। तो जहां भी आप देखेंगे सिर्फ कंपनीज आपको दिखेंगी, लोग दिखेंगे, कंपनी दिखेंगी। एग्जाम्पल एक देता हूँ, ये एचआर मैनेजर है G4S के। अब मेरा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो सिक्योरिटी देखिए ज्यादा दिखेगा आपको। सीनियर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है जयगोर सिक्योरिटी। तो अगर मुझे उनसे कनेक्ट करना, मैं क्या करूंगा, उनके प्रोफाइल में जाऊंगा। जैसे मैं किसी के प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ, उनको मैसेज आता है कि somebody has viewed your profile। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो मेरा प्रोफाइल, देयर इज अ हाई चांस कि वो आके मेरे प्रोफाइल को देखेंगे, एक चीज वो हो जाता है वहां पे आप, राइट? कनेक्ट करने के बाद कई बार क्या होता है, जब आप किसी मैनेजर या एडमिन हेड से कनेक्ट करते हो, वो आपका कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपको जानते नहीं, राइट? तो ऑब्वियसली आपको भी कोई अनजान आदमी कनेक्ट करे, तो शायद आप ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो कि नहीं मुझे इनसे कनेक्ट नहीं करना है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप उनको फॉलो करिए। फॉलो में क्या होगा, जैसे आप सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, अगर उन्होंने, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, आपके कनेक्शन में नहीं है, फिर भी फॉलो करने पे उनके जो पोस्ट हैं वो आपको दिखेंगे, राइट? जब मैं उनको फॉलो कर लूंगा, तो दो, उन्होंने एक महीना या आने वाले 6 महीने मेरा जो कनेक्शन है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, पर वो जो हर हफ्ते नया पोस्ट डालेंगे वो मुझे दिखेगा। अब मेरा एडवांटेज ये हो जाएगा कि जैसे मैं अपने होम पेज पे आऊंगा, अगर वो मेरे फील्ड पे नहीं है, मेरे कनेक्ट में नहीं है, तो भी उनका पोस्ट दिखेगा, पर मैं वहां कमेंट जरूर कर सकता हूं। तो अगर उन्होंने मेरा जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मेरा कमेंट देख देख के शायद वो कर लेंगे। तो ये कंसिस्टेंट और यू नो परसिस्टेंस का चीज है, जितना कंसिस्टेंटली आप ये चीज करेंगे और जितने परसिस्टेंस रहेंगे कि मुझे उनके साथ कनेक्ट करना है एक ना एक दिन, राइट? तो ये एक चीज करना है, कनेक्ट करना है लोगों के साथ और उनको फॉलो करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना मैंने कनेक्शन समझो 500 को भेजा है और 500 ने, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरे कनेक्शन को है ही नहीं, मेरा ये जो पूरा होम पेज है उसमें बाकी चीजें दिखेंगी, मेरे टारगेट ऑडियंस नहीं दिखेंगे। करना है, अगर समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक, जैसे नीचे नीचे जाइए, ये डेली एक्टिविटीज है, राइट? जैसे श्याम मोहन तिवारी जी हैं, वो हमारे क्लाइंट भी हैं बाय द वे, हमारे कनेक्ट में पहले से हैं। तो उन्होंने कुछ गार्डनिंग के बारे में लिखा है, राइट? गार्डनिंग हैज मेनी बेनिफिट, वन ऑफ देम इज टू हेल्प टू कीप यू हेल्दी। डिड यू नो अबाउट इट? क्या आपको ये पता था? तो उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया है, तो मैं उसको लाइक करके कुछ कमेंट कर सकता हूँ, एग्रीड, समथिंग लाइक दैट। ये तो छोटा हो गया, आप और भी चीजें इसमें लिख सकते हैं। अगर उन्होंने कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा है या कोई पोस्ट करा है, तो आप उनको हेल्दी वे में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर कोई पोस्ट कर रहा है, तो उसका इंटेंशन है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड करें, उनसे एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें। तो मैं यहाँ पे उनके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो श्याम मोहन जी मेरे प्रोफाइल में जाके मुझे चेक करेंगे कि दीपक कौन है। फिलहाल के लिए मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, तो ही नोज किन्होंने मेरे इसके पोस्ट पे कमेंट करा है। पर अगर उनको, मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, वो मेरे पेज पे क्लिक करेंगे मेरे नाम पे, और उनको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। अच्छा, फिर वो समझेंगे ठीक है ये इस चीज में काम करते हैं। तो इस तरह से आपका कनेक्शन बन जाता है। सेम चीज को आपको रिपीट करना है, बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं। अपना प्रोफाइल अपडेट करिए, 10 लोगों को ऐड करिए, 10 से 15 मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करिए, दैट्स इट। और आप देखिए कि आपका ये जो मैसेज का बॉक्स है, नोटिफिकेशन का बॉक्स है, ये दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। ये टोटल प्रोसेस था आपको अगर लिंक्डइन से कुछ रेवेन्यूज लाने हैं, कुछ लीड्स लाने हैं, अपने एजेंसी के बारे में इंक्वायरीज अवेयरनेस ग्रो करना है, तो दिस इज द मोस्ट ऑर्गेनिक कॉस्ट इफेक्टिव, बिना कोई पैसे खर्च करे आप कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, देन वी कैन ऑल डिस्कस, जिनका जिनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, हम ओपनली इसको डिस्कस कर सकते हैं। दीपक रवि, यस यस रवि, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय कंपनी रिसेंटली, वन मंथ डाउन द लाइन, सो हाउ वुड आई जनरेट माय फर्स्ट साइट, यू नो? See, so for you, maybe LinkedIn may be not the first choice, because end of the day, you have to plan out कि आपका resources क्या है और आपके connects क्या हैं. Based on your past connects, ये थोड़ा सा LinkedIn से अलग topic है, but I'll try to answer it as quick as possible. Based on your past connect, जो भी आपका experience रहा है दूसरे field में, आप उनसे reconnect करिए. You know, tell them about that you have recently started these services, and आपको पहला जो client आएगा, आपको friends और family से आएगा. Then you can go आपने वो चीज कर लिया है, फैमिली फ्रेंड्स को बोल दिया है,
यू कैन आस्क फॉर रेफरल्स बिकॉज व्हाट हैपेंस, एक आप एग्जांपल लीजिए कि आप यू नो बाइक या कार से जा रहे हैं और कोई सिग्नल पे आपको मिलता है अनजान आदमी एंड दैट अननोन पीपल ट्राई टू सेल यू समथिंग, आप उससे नहीं लोगे बिकॉज आप अनजान हो, तो आप एक तरह से अनजान को चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हो. देर शुड बी सम कॉमन कनेक्ट, या तो आपको पहले से जानना चाहिए या फिर वो किसी जानने वाले के थ्रू आना चाहिए. आप खुद के एक्सपीरियंस को देख लीजिए, आप किसी अनजान डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, आप रिकमेंडेशन मांगते हो किसी से. Yes, यार इस चीज का मुझे तकलीफ है, मुझे अच्छा डॉक्टर बता दो मेरे एरिया में या फिर इस चीज में. तो जब तक आपको कोई रिकमेंड नहीं करेगा वो आपकी सर्विस नहीं लेंगे, बिकॉज आप जिस फील्ड में है इट्स अ सिक्योरिटी सर्विस. सो ट्राई टू आस्क फॉर एज मेनी रिकमेंडेशन एज पॉसिबल. आपके फेसबुक पे हो? Yes, yes, I am there. कितने फ्रेंड्स होंगे आपके roughly? 200, 250, 300? Actually, I was not using Facebook for this company's Facebook page. I have made it that account. आपका पर्सनल पेज होगा तभी आपने पेज ओपन कर पाया होगा. पर्सनल आपका प्रोफाइल होगा? Yeah, yeah. I have just opened 1 month ago only, and so I didn't have much of the friends. Like I have 200 or 300 friends. It's enough. 200, 300 बहुत होते हैं. तो जैसे 300 लोग हैं ना, आप सभी को रीच आउट करिए, टेल देम ओके कि आप ऑब्वियसली आप उनको जानते हैं इसलिए उन्होंने आपको प्रोफाइल एक्सेप्ट करा होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट में. टेल देम दैट यू हैव स्टार्टेड दिस सर्विसेज, दैट्स इट. गिव देम अ कॉल, उनका नंबर आपके फोन में होगा, जस्ट गिव देम अ कॉल, लेट दैट अवेयरनेस स्टार्ट स्प्रेडिंग एज मच एज पॉसिबल एंड देन वी स्टार्ट टू सी मोमेंटम. आपके दो चार क्लाइंट तो वहीं से आ जाएंगे. ठीक है, ओके. जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था आई थिंक सो डेढ़ साल पहले, उसके पहले मैंने प्रोफाइल बना के रखा था. मेरे पास कुछ 70 लोगों के कनेक्ट्स में थे. ऑल मेरे जो यू नो फ्रेंड्स थे, जो मेरे स्टडी के टाइम पे अकाउंट्स वगैरह जब मैं कर रहा था तो उस टाइम पे फ्रेंड्स थे. मैंने वहां से लेके उसको 700 तक ग्रो करा है, और 700 में से ऑलमोस्ट 400 से 450 लोग एजेंसी ओनर्स हैं. सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप कोई बिजनेस में है तो आपके आसपास वही लोग होने चाहिए जो आपके टारगेट ऑडियंस है, तो आपको बाय डिफॉल्ट बिजनेस आता है. आपको बिजनेस मिलना है फॉर एग्जाम्पल एडमिन से, जनरल मैनेजर से, बिजनेस ओनर से, और आप गप्पे लड़ा रहे हो किसी और से, मतलब कोई और फील्ड में, तो आपको ऑब्वियसली वो रिजल्ट नहीं आएगा. तो आपको उनके सर्कल में रहना है. तो बेस्ट क्या है कि आप अपना सर्कल चेंज कर सकते हैं. जैसे सोशल मीडिया पे आप कई लोगों को अनफॉलो कर दीजिए जो आपको इनपुट नहीं दे रहे हैं, आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं और उनको इंक्लूड करिए जो आपके फील्ड के हैं. एंड स्लोली ग्रेजुअली आप करिए, आई एम 100% श्योर जो रिजल्ट आ रहा है सभी को आता है, कोई उसमें डाउट नहीं है. बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपको आदित्य बिरला ग्रुप के सिक्योरिटी हेड से मिलना है, पुराने सिस्टम में जाएंगे तो उनका नाम भी पता करने में हमें महीने लग जाएंगे. किसी के थ्रू भेजो, अच्छा है मैं उनको जानता हूँ, आप इसको जानते हो क्या, आदित्य बिरला ग्रुप के जो सिक्योरिटी हेड है कौन देखते हैं, उनका नाम कैसा है, यू नो वो सारी चीज. पर प्रोफाइल में आप जाके तुरंत सर्च कर सकते हो. तो इतना जब टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रहा है आप उसको यूज करना चाहिए. और इसमें अपन को प्रेफरेबली किस तरह के प्रोफाइल देखने चाहिए, मतलब बिल्डर्स या कौन सी कैटेगरी सर्च करनी चाहिए? मैंने बोला पहले आप अपना टारगेट ऑडियंस बना लीजिए. फॉर एग्जांपल आप जयपुर, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में आपका सर्विस ज्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप मध्य प्रदेश में ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे, ईस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो शायद इतना इफेक्ट नहीं हो. बिकॉज आपको क्या करना है, आपको पहले होम ग्राउंड पे कंसोलिडेट करना है. तो आपके रीजन में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप जस्ट और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं उनका नाम अगर आपको पता है, गूगल करके कर सकते हैं. उनका नाम आप सिर्फ जाके वहाँ पे सर्च करिए. एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कुछ. ये पार्टनर है आजाद बॉडी बिल्डर में, लेकिन आपने लिंक्डइन का पेड वर्जन नहीं लिया तो ये आप देख नहीं सकते, बट नो इश्यूज. ये असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये भी लिंक्डइन मेंबर हैं. ये सीनियर मैनेजर हैं दूसरे कंपनी में, MB मोटर्स बॉडी बिल्डर्स. अगर आपको इनके साथ कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, मैं देख लो दो तीन और नाम देख लेते हैं. डायरेक्टर हैं RCC ग्रुप के, इनसे आप आपको काम मिल सकता है अगर आप इनके साथ कनेक्ट हैं तो. राइट, और नीचे आइए, ये क्या है, मैनेजर हैं बॉडी ऑपरेशन इंडस मोटर्स. आपके एरिया में अगर इंडस मोटर्स हैं या वहाँ पे ऑपरेशन में काम कर चुके हैं, राइट, तो शायद आपको डायरेक्ट
ओनर से अगर कनेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप इनके साथ कनेक्ट होके फिर इनके साथ चैट कर सकते हैं कि आप वहां पे काम करते थे, आप ओनर से मेरे को कनेक्ट करा सकते हैं कि नहीं, करेक्ट है? तो कनेक्ट का कनेक्ट आपको ढूंढना है। डायरेक्टली आप अप्रोच करेंगे, ऑब्वियसली कोई भी आपको अप्रोच करेगा आप उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करूंगा, मैं पहले मैं इनका प्रोफाइल व्यू करूंगा। जैसे मैं इनके प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, लिंक्डइन उनको एक मैसेज भेज देगा कि समवन हैज व्यूड योर प्रोफाइल, राइट? मैं उनको कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करने के बाद मोर में जाके फॉलो करूंगा। तो जब भी प्रशांत, इनका नाम है, जब भी प्रशांत कोई पोस्ट करेंगे मुझे पहले दिखेगा दो, उन्होंने मेरा एक्सेप्ट करा है कि नहीं। कनेक्ट एक्सेप्ट कराया तब तो बात ही अलग है, तो दिखेगा ही। और फिर मैं स्लोली ग्रेजुअली इनके साथ जब मैं डिस्कशन करूंगा, देन वन डे फाइन डे व्हाट आई विल डू, मैं उनके मैसेज का ऑप्शन जो अभी ब्लॉक्ड है, यहाँ पे एक ताला दिख रहा है, वो अनब्लॉक हो जाएगा। फिर मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ कि सर जी आप, आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें, हाँ आप मैनेजर ऑफ सेल्स रह चुके हैं तो आप मुझे उनके साथ कनेक्ट करा सकते हैं क्या? सिंपल है।